उसको बाबर और रिजवान को थोड़ा सा सोचना चाहिए टीम के लिए भी। और मैं हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि आज हमने ना बाकी टीमों को अपने जैसा कर लिया है। हम बुरा खेल रहे हैं, वो हमसे भी बुरा खेल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बस शर्ट निकालने का मौका दिया हमारे भाइयों ने, माशाल्लाह तो निकाल ली। क्या बात है सर। और मुबारक आपको, पूरे पैनल को और जितने भी लोग देख रहे हैं टीवी पे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह से ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है। और पाकिस्तान के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहा है। ऑब्वियसली नीदरलैंड अगर साउथ अफ्रीका को हरा दे और आपके पास बस आपको जीतना है बांग्लादेश से, आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं, तो ये बहुत अच्छा दिन रहा है। हालांकि ये दिन बांग्लादेश के लिए भी अच्छा हो सकता था, बट बांग्लादेश से आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख कर सकते। ये शुरुआत में अच्छा खेलते हैं, फिर आखिरी में जाकर इनका कोलैप्स होता है। हालांकि एक डिसीजन गलत था शाकिब उल हसन का, बट मेरे हिसाब से अगर वो सही भी होता तो 20 रन या 30 रन और भी जोड़ देते तो पाकिस्तान उस तरीके से स्टार्ट लेता, वो जीतता मैच। ऑब्वियसली आप देख रहे थे। और साथ ही साथ नीदरलैंड की तो यार क्या तारीफ कर रहे हो, साउथ अफ्रीका तो यार सीरियसली यार शर्म आ रही है कि जो टीम को मैं सोच रहा था कि वो वर्ल्ड कप जीतेगी, वो नीदरलैंड से हारकर बाहर हो गई और नेक्स्ट ईयर शायद क्वालिफायर ना खेलना पड़ जाए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। आप मुंह मीठा करना चाहें, फीका करना चाहें, लेकिन इसी तरह करना था इसको। यार बहुत मजा आ रहा है, यकीन करें, इसमें कोई शक नहीं। क्या भरपूर तरीके से खेले कौन? रिजवान और बाबर। अच्छा, कितना शानदार। छोड़ दो ये बातें, किधर लेके जाओगे? चले आप बताएं, आप बात करें, गुडविल एम्बेसडर साहब आप बात करें। वी आर इन द सेमीफाइनल्स। आप मुझे ये बोले आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस। चाय भी पी रहे हैं ना आप? क्या नहीं, कॉफी। आई वांट कॉफी। आई एम सपोज्ड टू टेल यू बिकॉज़ आई हैव टू करेक्ट यू। यार आई थिंक बड़ा मजा आया। पाकिस्तान इज इन द सेमीफाइनल्स। जो भी हम बात कर रहे थे कि एज अ प्लेयर, एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फैन, हम चाहते हैं कि हमारी टीम पहुंचे सेमीफाइनल में। और वो जो भी आज हमने देखा कि क्रिकेट को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। साउथ अफ्रीका का हार जाना नीदरलैंड से और फिर पाकिस्तान का इस मैच में कमबैक करना, अच्छी क्रिकेट खेलना और ये मैच जीतना, तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द नेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम कि नाउ जो हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज़ थी अबूर करना, वो हमने कर लिया। एंड इट्स टाइम कि अब सेमीफाइनल में हम अच्छी क्रिकेट खेलें। बाकियों को भी मुबारकबाद दे दें, सबको दिए। साउथ अफ्रीका, क्रेडिट गोज टू नीदरलैंड, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बांग्लादेश, माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल भरपूर साथ दिया हमारा। उन्होंने ही साथ दिया, प्रॉपर दिया उन्होंने। और देखिए मुझे लगता है आज बराबर की टीमें खेली दोनों, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कोई शक नहीं। पर बॉलिंग हमारी अच्छी रही, जैसा स्टार्ट लिया बांग्लादेश ने 10 में 70 लगा हुआ था, ऐसे लग रहा था कि 160-165 तो होगा। और इस विकेट पे आपने देखा होगा कि 150-160 हमसे चेज नहीं होना था। जिस तरह के हमारे ओपनर्स ने स्टार्ट लिया था माशाल्लाह, वो नहीं होना था। लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये दोनों आज बराबर की टीमें खेली हैं। मेरे लिए जो डिजर्विंग टीम थी वो साउथ अफ्रीका थी। ये एज अ क्रिकेटिंग या एज अ प्लेयर बात करूँ, एज अ फैन हमारे लिए अच्छी चीज़ है पाकिस्तान गया है सेमीफाइनल में। लेकिन अगर क्रिकेट की सेंस से बात करें, क्योंकि वो ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, इवन के बांग्लादेश जिस तरह का स्टार्ट मिला था, और फिर जो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए जो शाकिब का, आई थिंक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल वो डिसीजन था, मुझे नहीं लगता कि वो आउट था। लेकिन अब बात यह है कि देखिए, अब 128 पे बांग्लादेश जैसी टीम के साथ अगर आप फंसते हैं, 10 में आपका 50 लगा हुआ है, एक 32 बॉलों पे 32 कर रहा है, एक 33 बॉलों पे 25 कर रहा है, उसी विकेट पे वही बच्चा आया जो अपना दूसरा मैच खेल रहा है वर्ल्ड कप का, हारे, टोटली डिफरेंट था, ठीक है, टोटली डिफरेंट था। मतलब अब आप सेमीफाइनल में हैं, तो अब न्यूजीलैंड जैसी टीम है, अब इस तरह की गलतियां नहीं कर सके। आपने देखा है कि साउथ अफ्रीका को उस चीज़ ने बाइट किया आज, कि उन्होंने नीदरलैंड को हल्का सा एक विंडो दी जहां पे उनको 130 करना चाहिए था, उन्होंने 160 कराया, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। कुदरत का निज़ाम, एज अ मुस्लिम हम ये बात हमेशा मानते हैं कि ये दुनिया अल्लाह ही चला रहा है, बेशक, ठीक है। और मेरे लिए वाकई मौजज़े से कम नहीं है पाकिस्तान टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची है, मैं सच बता रहा हूँ, मौजज़े से कम नहीं है। क्योंकि जिस तरह की हम ओवरऑल क्रिकेट खेले, अप टू द मार्क नहीं थे, हम इससे बेटर टीम है, ठीक है।
तो ये अल्लाह बार बार मौजे दिखा रहा है, लेकिन हमारे कुछ प्लेयर्स हैं वो नहीं जाग रहे, वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं बाहर आ रहे। ये ऐसा मेरे ख्याल में 1-2% लोगों ने रेशो निकाले ना तो सोचा होगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अब फिर जिस तरह का अल्लाह ने हमें, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, फिर आपको एक यकीन आ जाना चाहिए कि यार अल्लाह हमारा पूरा साथ दे रहा है। आपको फ्रीडम रखना चाहिए, ये डर, ये अपनापन कि मैं बस कुछ कर लूं। आप देखें, हम 128 चेज कर रहे हैं और 10 पे 50 कोई आउट नहीं। उनका आउट हुआ लिटन दास पिछले ओवर में, उससे अगले ओवर में शांटो निकल निकल के मार रहा है चौके। ये इंटेंट की बात है। अब सेमीफाइनल में अगर आप इस तरह से डर के खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम है वो आपको कमबैक नहीं करने देगी मैच के अंदर। हाँ, आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जिस तरह आप न्यूजीलैंड में खेले थे, आप न्यूजीलैंड में सीरीज जीत के आए ना, किस तरह जीते आप? अच्छी क्रिकेट खेले थे आप, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, साथ 150-160 चेज भी कर रहे थे। तो आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं एज अ क्रिकेटर बात करूँ तो आपको थोड़ा सा अपना गेम प्लान, मैं फिर कह रहा हूँ, चेंज करना पड़ेगा। अब तो कर लो भाई, अब तो अल्लाह ने हर चीज़ आपके ला के ऐसे रास्ते में रख दी, अब तो करना पड़ेगा। बाकी देखें, पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है माशाल्लाह, सबकी दुआएं, इसमें कोई शक नहीं। अवाम जितनी हमारी हमेशा से दुआएं करती है, हमने देखा हुआ, हम इस चीज़ से गुजरे हुए। चैंपियन ट्रॉफी उठा के देख ले, 2009 का वर्ल्ड कप उठा के देख ले, और जिस तरह आज तो मुझे लगता है कुछ अवाम तो बेचारी इतनी सैड हुई क्योंकि वो ग्राउंड में नहीं गए होंगे, क्योंकि किसी को इतना एक्सपेक्ट नहीं कोई कर रहा था। लेकिन ये कि अवाम दुआएं कर रही है, साउथ अफ्रीका ने पूरा साथ दिया है, जिम्बाब्वे क्या कहते हैं, नीदरलैंड ने और बांग्लादेश ने जिस तरह के ब्लंडर्स किए, तब सेमीफाइनल एक स्टेप दूर है यार। आप एक स्टेप कि आप इमेजिन करो कि आप फाइनल में जा सकते हो और फाइनल जीत सकते हो। लेकिन प्लीज़, जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन गलती करके गया वो आप ना करें, आप अपना गेम प्लान चेंज करें, माइंडसेट चेंज। अब तो नथिंग टू लूज है ना आपके पास, अब तो आप सेमीफाइनल में, अब तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए कि यार कि अब यहाँ से तो घर ही है, जीतेंगे तो फाइनल, नहीं तो घर वापस। तो मतलब 128 मुझे लगता है कि 15-16 ओवर में आराम से, 14-15 ओवर में चेज हो जाना चाहिए। स्किपर, अब नहीं तो कब, ये नहीं तो कौन? आमिर ने बिल्कुल ठीक बात की है। देखे, मेरा ख्याल है जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम आप ट्वीट भी देखते रहेंगे, बार बार लोग कह रहे हैं कि यार इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो अपनी ओपनिंग जो है दोनों को, मगर हम उससे बाहर नहीं निकल रहे। जो एक शायद डर है कि हम फेल ना हो जाएं, फेल तो वैसे भी हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको अग्रेसिव खेलना चाहिए, क्योंकि वो जो जिसमें आप फंसे होते हो ना, कि आपसे स्कोर नहीं हो रहा होता, आप जब अग्रेसिव खेलते हो ना तो कई दफ़ा आप उससे निकल जाते हो। तो मेरे ख्याल आमिर, इसको बाबर और रिजवान को थोड़ा सा सोचना चाहिए टीम के लिए भी। और मैं हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि आज हमने ना बाकी टीमों को अपने जैसा कर लिया कि हम बुरा खेल रहे हैं, वो हमसे भी बुरा खेल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जितना करें बराबरी का मुकाबला हो रहा है। यार मैं, मुझे लोग ना हर, हम जब आते हैं ना यहाँ चैनल पे, तो अक्सर आपके ऑफिस से भी और इधर उधर से लोग कहते थे, जब अभी सेमीफाइनल मैचेस नहीं हुए थे, हर कोई पूछता था यार हमारा कोई चांस है? तो यार मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। मतलब एक नज़र नहीं आ रहा था कि इतनी टीमें हार जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, इतनी टीमें हार जाएंगी, ये मौजज़ा है भाई। तो ये अल्लाह ताला का मेरा ख्याल मौजज़ा ही, शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हम पता नहीं कैसे, मुझे तो यकीन पूरा अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम सेमीफाइनल में किस तरह आ गए हैं, पता नहीं इधर उधर से हम पहुंच गए हैं। तो अब दुआ है कि वैसे जो टीम इस तरह आती है ना सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जब एक और उम्मीद लगाने आ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब न्यूजीलैंड को भी ऐसे ही हो जाना चाहिए। यार मुझे याद है कि हम न्यूजीलैंड, अच्छा उस वक्त भी न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल था 92 में कोई मैच वो न्यूजीलैंड नहीं हारी थी, कोई मैच नहीं हारी थी, नहीं इसमें हारी नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ उसमें कोई मैच नहीं हारी थी।
और वो एक मैच हारी थी बेचारी और सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। तो ये हाल अब न्यूजीलैंड का मुझे लगता है दोबारा शायद रिपीट ना हो जाए। मैच सिडनी में पाकिस्तान को सूट करता है, सूट दोनों को ही करता है, ऐसी पाकिस्तान को ज्यादा करता है। और आपका मतलब है हम, आपका मतलब है अगर हम बुरा खेले तो वो हमसे बुरा खेलेंगे, उनको बहुत बुरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हमारा मसला ये है ही नहीं सूट करता नहीं करता, वो कुदरत का हमारे साथ होना जरूरी है। वो तो ऐसा मुस्लिम हम बिलीव करते हैं, कुदरत हमारे साथ होगी, नहीं ये इसमें मौजा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत दुआएं थी, ये दुआएं तो थी इसमें, और आज हम पहले दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश हो जाए, मैच ही ना हो। मैच हुआ, कितनी बुरी तरह से वो उस टीम उससे आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से रिएक्शन दिया जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के एक्सपर्ट हो, पाकिस्तानी हो, उनके लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि यार पाकिस्तान के लिए ये जो वर्ल्ड कप जा रहा था बहुत बुरा जा रहा था। इंडिया से वो हारे कोई दिक्कत नहीं, इंडिया के हारने के बाद क्या हुआ, वो इंडिया टीम को सपोर्ट करने लगे साउथ अफ्रीका की मैच के खिलाफ, कि वो चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका किसी तरीके से ये मैच हार जाए भारत जी जाए। लेकिन वो मैच आपको याद है, भारत हार गया। उसके बाद हुआ क्या, पाकिस्तान उसके पहले जिम्बाब्वे से हार चुकी थी, जो कि शायद पाकिस्तान का अभी 20-30 साल की करंट हिस्ट्री वर्ल्ड कप का सबसे खराब मैच था। हालांकि उसके पहले मेरे हिसाब से 2007 में तो जो आयरलैंड से आ रही थी उसके बाद ये सबसे खराब मैच रहा होगा। तो ये जो था जिम्बाब्वे के खिलाफ एक रन की हार, वो इंडिया से भी बड़ी हार थी। फिर पाकिस्तान कितने आसानी से नीदरलैंड को हराया, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ यार 43-4 पाकिस्तान के विकेट, और इफ्तिकार अहमद जो पाकिस्तान के बेसिकली अभी मेरे हिसाब से करंट सबसे अच्छे बैट्समैन है वर्ल्ड कप में, उन्होंने क्या इनिंग खेली, और उसके साथ शादाब खान नवाज ने गजब का सपोर्ट दिया, और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग ले गई साउथ अफ्रीका को। डगवर्ट लुइस वो वैसे भी मैच हार गए थे स्टार्ट में ही टॉप ऑर्डर जब आउट हुआ था। फिर बांग्लादेश को हराना था, उन्होंने हरा दिया। आज पाकिस्तान क्वालिफाई, न्यूजीलैंड से खेलेगी, भारत खेलेगा इंग्लैंड से। एज कम्पेयर टू इंग्लैंड न्यूजीलैंड, भारत के लिए मेरे हिसाब से इंग्लैंड अभी आसान टीम है, बट प्लेयर उसके बड़े हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान का अगर मैच होता तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज ये रहता कि पाकिस्तान इंग्लैंड से अभी 7 मैच की सीरीज खेल कर आ रहा है और सीरीज हार कर आ रहा है, तो शायद पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खुश रहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान उनके घर में एक 3 टीमों वाली सीरीज खेल कर आ रहा है और जीत कर आ रहा है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो न्यूजीलैंड से भिड़ रहे हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान बहुत लकी टीम है, बहुत लकी टीम है, और अब यहाँ पे लक ही चाहिए, 2 मैच जीतो वर्ल्ड कप आपका। ऐसे ही कुछ इंडिया के साथ सीन है, 2 मैच जीतो वर्ल्ड कप आपका। इंग्लैंड के साथ ये है कि इंग्लैंड बड़े मैच में चोक करता हुआ आया है, लास्ट ईयर भी सेमीफाइनलिस्ट था, न्यूजीलैंड से आ रहा था, इस बार इंडिया से हारेगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीतेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो देख रहा हूँ फाइनल, और फाइनल जीत रहा है इंडिया। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि यार रोहित शर्मा चल जाए यार, उनका बैट नहीं चल रहा है सीरियसली। ये आने वाले 2 मैच में अगर वो चल गए तो उनका जो बुरा इस वर्ल्ड कप जा रहा है वो बिल्कुल याद नहीं रखा जाएगा। 2 मैच में से एक में भी अगर वो फाइनल में शतक मारते हैं सेमीफाइनल में, तो वो याद रखा जाएगा, लेकिन दोनों मैच जीतने चाहिए इंडिया को।